बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जारी है और पहला टेस्ट मैच जो है वो नागपुर में खेला गया था, जिसको टीम इंडिया ने बेहद शानदार अंदाज में जीत लिया और कंगारू टीम उसके बाद से चिड़ी हुई है। और ये चिड़चिड़ापन अभी से नहीं बल्कि तब से है जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू नहीं हुई थी। और अब जैसे ही नागपुर में ऑस्ट्रेलिया टीम को हार मिली उनके सुर बदल गए, वो फिर से रोने लगे और पिच का रोना गाने लगे। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं कि भारत की तरफ से या नागपुर स्टेडियम अथॉरिटीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस करना चाहती थी क्योंकि टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो गया था। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर टेस्ट में पहली पारी में 177 रन बनाए थे, जडेजा ने 5 विकेट लिए थे। तब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी कहते कि ये स्पिनिंग ट्रैक है। उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो रोहित शर्मा ने शतक लगाया, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा ने हाफ सेंचुरी जड़ी, मोहम्मद शमी ने तूफानी अंदाज में 30 के पार रन बनाए और टीम इंडिया ने 400 रन बनाए। लीड भी अच्छी खासी दी लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरी पारी में और तीसरे दिन 91 रनों पर आउट हो गई। आर अश्विन ने पंजा खोल दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ये चाहती थी कि वो उसी विकेट पर प्रैक्टिस करे। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाए कि वो चाहते थे कि वो उसी विकेट पर प्रैक्टिस करे जिस पर मैच खत्म हुआ था। ये इसलिए क्योंकि 3 दिन में मुकाबला खत्म हो गया और वो चाहते थे कि आने वाले टेस्ट मैचेस के लिए वो थोड़ा प्रिपेयर हो जाए कि कैसे बल्लेबाजी स्पिनिंग विकेट पे हो सकती है। लेकिन तब ग्राउंड्समैन ने पानी डाल दिया उसी विकेट पे जैसे ही मैच खत्म हुआ। ये आरोप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगाया गया है कि ग्राउंड्समैन ने पानी डाल दिया जिसके कारण वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली में मुकाबला जो है वो दूसरा होने वाला है और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस करना चाहती थी। ये आरोप लगाए हैं नागपुर ग्राउंड के अथॉरिटीज पे कि जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ उनकी चाहत थी, उनका प्लान था कि स्पेशल नेट सेशन हो जिस पे हम उसी विकेट पर प्रैक्टिस करें जिस पर मैच खत्म हुआ था, लेकिन ग्राउंडमैन ने पानी फेर दिया। और अब कुछ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी कोच जो है ऑस्ट्रेलिया के उनके हवाले से कुछ रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि एंड्रयू मैकडोनल्ड जो ऑस्ट्रेलिया कोच, उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रैक्टिस सेशन अहम था, हम चाहते थे कि बल्लेबाज इस्तेमाल हुई पिच पर खेले ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो पाए कि इस तरह के विकेट पर कैसे बल्लेबाजी करनी है। तो ये आरोप उन्होंने लगा दिया कि हम उस विकेट पर प्रैक्टिस करना चाहते थे, ग्राउंड्समैन ने पानी डाल दिया, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए और पता नहीं क्यों ये इंडियंस जो हैं, ये जो BCCI है या मैनेजमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया को खराब विकेट दे रहा है। इससे पहले भी कई सारे दिग्गजों ने बोला था कि भारतीय मैनेजमेंट क्या करता है कि जब प्रैक्टिस विकेट या फिर प्रैक्टिस मैच के लिए विकेट्स देता है तो वो अलग होती है, लेकिन जब मैच में विकेट आती है तो वो अलग होती है। और नागपुर टेस्ट को लेकर बवाल शुरुआत से ही था कि घास काट दी गई है, राहुल द्रविड़ ने पिच चेंज करवाई है, पिच को स्पिनिंग ट्रैक रखा है, लेफ्टी के लिए परेशानी जो है वो ज़्यादा बनाई गई है कि लेफ्टी बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको खासी दिक्कत हो, घास वहाँ से हटा दी गई है, ड्राई किया गया है। लेकिन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो नागपुर के स्टेडियम अथॉरिटी ने दे दिए। उन्होंने बताया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं हम पे कि हमने पानी डाल दिया, सरासर गलत है। नागपुर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टेडियम छोड़ने के बाद पिच को कवर किया और तब पूरा मैच खत्म हो चुका था, यानी कि जब स्टेडियम से आप लोग बाहर जा चुके थे दोनों टीमें उसके बाद जाके इस पे पानी डाला या कवर किया गया। ऐसा नहीं है कि मैच खत्म होते तुरंत पाइप लेके या कवर्स लेके ग्राउंड स्टाफ आ गया था कि उन्होंने आते ही पानी डाल दिया कि विकेट को कवर करो कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो प्रैक्टिस ना कर पाए। ये सरासर जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम लगा रही है। आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रोना जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा कि पिच खराब है, पिच में स्पिन है, हम खेल नहीं पाएंगे। तो हमने भी तो कभी नहीं रोया, पर्थ में आपकी बाउंसी विकेट होती है, सिडनी में आप तेज विकेट लेके आते हैं, मेलबर्न की विकेट एकदम घातक साबित होती है, तो टीम इंडिया ने तो कभी नहीं रोया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को डर है कि हार ना जाए, शर्मसार ना हो जाए। लेकिन पहला टेस्ट मैच जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेली उससे ये तो साफ हो गया कि कंगारुओं की हालत इस सीरीज में बुरी होने वाली है। अब देखना होगा कि दिल्ली की विकेट को लेकर ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या बयान देती है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।